यस बच्चों, क्लास 11th इंग्लिश। आज अपन यहाँ पर द वॉइस ऑफ रेन के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और पोएम को एंड कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो वर्षा ऋतु है या वर्षा है और पोएट के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है और मानवीकरण के रूप में वर्षा गिर रही है, तो उसी में ये बताया गया है कि वर्षा अपनी बातें या कि क्या बोली है यह इस यूनिट में बताया गया है, ठीक है, या इस पोयम में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी के क्वेश्चन आंसर अपन लेकर चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देयर आर द टू वॉइसेस, वहां पर दो वॉइसेस यानी आवाज या बोली है। इन द पोयम हु डू दे बिलोंग टू, यानी वो किससे संबंधित है, किसमें शामिल होती है, किसके अंतर्गत आती है। विच लाइन इंडिकेट, विच लाइन इंडिकेट दिस, ये कौन सी लाइन इसमें होता बताती है। इसका मतलब क्या हो गया है कि दो लोगों के बीच में यहाँ पर संवाद है और उसमें से कौन सी लाइन इस चीज को एक्सप्लेन करती है अथवा बताती है। द टू वॉइसेस इन द पोएम्स आर, वो दो लाइन है पोएम में, द टू लाइन टू वॉइसेस इन द पोएम्स आर द वॉइस ऑफ द रेन, यानी वर्षा की बोली, एंड द वॉइस ऑफ द पोएट यानी कवि की बोली। इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, यही आपको शो कर रहा है। द पोएम बिगिंस इन कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन यानी संवाद, तो यानी पोयम कवि और वर्षा ऋतु के बीच के संवाद को, और इसकी दो लाइनें जो हैं वो हैं एंड हु आर दाऊ। ये देखिए दाऊ वर्ड है, इसका मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन दाऊ होता है, ठीक। एंड सेड आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, ठीक। और दूसरी लाइन जो है वो ये बताती है कि आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, ये दूसरी लाइन यहाँ पर है, ठीक। तो ये दो लाइनें यहाँ पर कन्वर्सेशन के बीच के रूप में बता रही हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स, स्ट्रेंज टू टेल मीन का मतलब क्या है। द फ्रेज मीन्स दैट इट इज एन अनयूजुअल, स्ट्रेंज का मतलब ही होता है स्ट्रेंज, ये वर्ड हो जाता है स्ट्रेंज, यानी हमारे पास का हिंदी अगर हम लेके चले तो इसका मतलब होता है अचानक, अनयूजुअल, अचानक कोई चीज जो नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देती है अनयूजुअल होती है। द फ्रेज मीन्स दैट इट इज एन अनयूजल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी जो नॉर्मल स्थिति से बहुत अलग हो। आंसर गिवेन बाय द रेन ड्रॉप टू पोएट हु आस्क हु इट वॉज, ठीक। यह कौन था, यह है Who it was, यह कौन था, यह पोएट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, यहां पर वर्षा और म्यूजिक के बीच में समानता बताई गई है। विच वर्ड इंडिकेट दिस, यहां पर कौन सा वर्ड इन दोनों के बीच में इसको दर्शाता है। द वर्ड आर आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की पोयम हूं या कविता हूं, फॉर सॉन्ग इज फ्रॉम
its worth place after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked daily with love return. यानी क्या हो रहा है, जब मैं आती हूं और यहां पर टहल के या हम नीचे पानी गिर के मिल के और फिर प्यार के साथ वापस चली जाती हूं, इसी को यहां पर रेन ने बताने के लिए किया हुआ है. एंड हियर इज लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रॉट आउट इन द पोयम. यानी साइक्लिक यानी चक्री जो रहता है, चक्री मूवमेंट यानी क्रम या गति. तो वर्षा की गति को या चक्री चक्रम को यहाँ पर पोएट ने किस प्रकार से कविता में बताया हुआ है. द पोएट एक्सप्लेन्स दैट द रेन ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ वाटर. अर्थात यहाँ पर वर्षा की जो बूंदें हैं वो पानी की बुलबुलों या बूंदों के रूप में है. देन राइजिंग अप फ्रॉम द लैंड, और वे जमीन से ऊपर उठती हैं. एंड द सी एंड देन डिसेंट अगेन ऑन द अर्थ. और वह यहाँ से जमीन से ऊपर उठती हैं, ऊपर जाती हैं और पुनः नीचे डिसेंट. डिसेंट यानी नीचे गिरना है ना, नीचे आना. ठीक है, डिसेंट यानी खत्म होने की कगार पर, नीचे आने की कगार पर या जो समाप्त हो चुका उस टाइप का. अगेन ऑन द अर्थ वे पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं. एंड ड्राई लैंड इन ऑर्डर टू वॉश इट डाउन एंड हेंस कम बैक टू इट्स ओरिजिन प्लेस. क्या होता है, आपको मालूम है कि वर्षा की ऋतु में जो पानी की बूंदें वो ऊपर जाती हैं, नीचे गिरती हैं, पुनः अर्थ पर या पृथ्वी पर आती हैं, वापस अपने ओरिजिनल प्लेस यानी समुद्र में पानी चला जाता है. तो वही जहाँ से आया था वही बताने के लिए इसने यहाँ पर पोएट ने लिखा हुआ है कि टू इट्स ओरिजिन, जहाँ से आई थी वहीं पे चली गई है. इट इज सिमिलर टू द वाटर साइकिल वी हैव लर्नड इन द साइंस. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि वर्षा गिरती है, नीचे आती है और पानी के रूप में पुनः समुद्र में पानी चला जाता है. वही साइक्लिक ऑर्डर को यहाँ पर बनाया गया. सारे बच्चे इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से नोट कर लेंगे.